नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग समास में भाग दो पढ़ेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि समास पाठ मतलब समास भाग एक जो कल हमने पढ़ाया वो आप सभी बच्चे कॉपी में लिख करके और उसको आराम से आप लोग पढ़े होंगे, उसको याद करने का प्रयास किए होंगे, है ना? तो आज आगे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक देखिए बताए थे हम आपको निम्नलिखित उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। अब यही भाव समास होता है, है ना? एक मिनट रुकिएगा, कुछ देखिएगा। निम्नलिखित उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है, है ना? तो कल हम आपको बताए थे हम ध्यान से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। समास पढ़ने में आपको हम प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार का कोई परेशानी आपको ना हो। और जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि याद करना है ज़्यादा, इसमें समास में याद ज़्यादा करना है भाई। तो नंबर एक क्या है वो सुनिए, मतलब आराम से पढ़ना पड़ेगा। में के अर्थ में अधि उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। यहां ध्यान दीजिएगा, नंबर एक में के अर्थ में के अर्थ में, है ना, अधि उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है, है ना? और ये आपका समास का भाग क्या है, आज दो, है ना? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समास पढ़ रहे हैं, कोई औकात वाला चीज है,
मैं के अर्थ में अधि उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है, तो यहाँ पर आपका हो गया समस्त पद। यहाँ पर हम लिख देंगे विग्रह और यहाँ पर हो गया अर्थ, है ना। समस्त पद, विग्रह, अर्थ। तो समस्त पद को आप समास समझिएगा, समस्त पद को आप समास समझिएगा, और विग्रह को लवलवन जी, और विग्रह को समास विग्रह समझिएगा, और विग्रह को समास विग्रह समझिएगा। और थोड़ा कमेंट करके ये बता दो कि हमारा आवाज़ आप तक पहुंच रहा है और लिखा हुआ क्लियर पता चल रहा है। और एक बच्चा राजू कुमार ये मैसेज फालतू कर रहा, हेलो रजनी। राजू कुमार है जिसने मैसेज किया, हेलो रजनी। राजू कुमार आलतू फालतू मैसेज आप कर रहे हो, राजू कुमार अपना मैसेज जल्दी ख़त्म करो और फालतू मैसेज कीजिएगा। हम धर तो लेवे करेंगे, हम लिंक भेजे हैं, ये कोई पब्लिक करके हम नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई भी देख लेगा। बेकार में फंस जाइएगा जी, बेकार में फंस जाओगे राजू कुमार, तुम राजू कुमार तुम बेकार में फंस जाओगे। पसीना बहा के हम पढ़ा रहे हैं पढ़ाने के लिए, फालतू दिमाग मत लगाओ तुम। हाँ यहाँ ध्यान दीजिए, ये समस्त पद का मतलब यहाँ पर आप समास समझिएगा, और ये आपका हो गया विग्रह अर्थ। तो देखिए अधिहरी, सब रटना है बाबू, इसका विग्रह होगा हरौ इति। अध्यात्म, आत्मनि इति। हरौ इति हरि में, आत्मनि इति आत्मा में, ये इसका अर्थ है। हरि मतलब विष्णु समझ जाइएगा, हरि भगवान का नाम होता है, तो बस इसको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी आप समझ लीजिए, क्वेश्चन कैसे पूछता है वो भी आप समझ लीजिए। अधिहरि का समास विग्रह करें, अध्यात्म का समास विग्रह करें, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है बाबू। तो अधिहरि हरौ इति अर्थ नहीं पूछता है, अर्थ हम जानबूझ के आपको बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि अधिहरि का समास विग्रह करें तो हरौ इति, आप पहली एक बात और आप समझ लीजिए, अगर आप पहली पहली बार पढ़ते हैं तब आपको लगेगा कि याद होगा हमसे, लेकिन इसी चीज़ को अगर 3 से 4 बार आप पढ़ लीजिएगा ना तो पक्का याद हो जाएगा। अधिहरि हरौ इति, हम बोलेंगे अधिहरि, आप बोलिएगा हरौ इति, अधिहरि हरौ इति, अधिहरि हरौ इति, अधिहरि हरौ इति।
अध्यात्म आत्मनि इति, अध्यात्म आत्मनि इति, है ना। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं बच्चा, और मेरे भाई याद हो भी सकता है, हो भी सकता है नहीं, याद हो जाएगा, बशर्ते आपको ना कंटिन्यू रहना है, आपको हर दिन पढ़ना है, आपसे याद हो जाएगा। समास पढ़ रहे हो, बहुत हार्ड टॉपिक है। हार्ड इसलिए है ना कि इसमें सिर्फ रट्टा मारना पड़ता है, इसलिए हार्ड है। पर आप देखिए, 2 से 3 दिन आज समास का भाग 2 है, कम से कम कल तो संडे है बाबू, कल तो क्लास बंद रहेगा। समास भाग 3 तक देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलिए इसको याद कर लीजिए, अधिहरि हरौ इति अध्यात्म आत्मनि इति। कोई भी पूछ दे अधिहरि, आप बोलिएगा हरौ इति अध्यात्म आत्मनि इति, है ना। तो ये आपका नंबर 1 हो गया। फिर नंबर 2 आपका है बाबू, समीप के अर्थ में। नंबर 2 यहाँ पर आप समझिएगा, ये आपका जैसे कर देते हैं। नंबर 2, समीप के अर्थ में, है ना, समीप के अर्थ में। उप उप उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। समय बहुत ज़्यादा लगेगा तो आप हमको हिम्मत दीजिए, समय में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कर देते हैं समस्त पद, है ना, ये आपका हो गया विग्रह और ये आपका हो गया अर्थ। ध्यान से आप बोर्ड पर देखिए, है ना, उपगंगम उपनगरम उपवनम है ना। आप देखते रहिएगा ध्यान से, इसका विग्रह करना है तो इसको, इसका विग्रह करना है और ये देख लीजिए क्या लिखे हैं, समीप। उप का मतलब समीप हो जाता है भाई, मतलब उप लगल है ना उप, तो उप मतलब आप समीप समझिएगा। उप का अर्थ होता है समीप, तो समीप के अर्थ में उप उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। चलिए इसको पढ़ने से पहले, समझने से पहले बैक में चलते हैं। अधिहरि याद है, हरौ इति, अध्यात्म आत्मनि इति, अधिहरि हरौ इति अध्यात्म आत्मनि इति, इस प्रकार से, है ना। अब देखिए क्या है, उपगंगम, तो इसको रट्टा मारना पड़ेगा। उपगंगम, उपगंगम का हम बता देते हैं, गंगायाः समीपम। देखिए गंगायाः, गंगायाः समीपम, है ना, गंगा के समीप। जानते हो विग्रह कैसे किए हैं, ये आपका षष्ठी विभक्ति लगाएं, एक वचन लता पर चला है, लता या गंगा या,
समीपम, गंगा के समीप। और इसको ना ट्रिक पर निकाल देंगे, ट्रिक है इसका। यहाँ देखिए ट्रिक है, उप अस्य समीपम। अगर ट्रिक नहीं दिखाई दे रहा तो देखने का प्रयास कीजिए, ट्रिक है इसमें, दिखाई दे रहा है ना, उप अस्य समीपम। हम ट्रिक पर आपको बताएंगे, ध्यान दीजिए। उप अस्य समीपम, कहानी खत्म। उप अस्य समीपम, कहानी खत्म। देखिए कैसे, जैसे कि उपनगरम है तो इसमें ना आप क्या कीजिए, जो कि जो मूल शब्द है उसको पकड़िए। तो मूल शब्द उप नहीं ना है, नगरम है। तो नगरम में भी मूल शब्द कौन है, नगर, ओरिजिनल शब्द। ये तो मा हलंत दिए हैं तो विभक्ति लगल है, तो नगर। तो उप हटाइए, देखिए उप अस्य समीपम, तो उप हटेगा, आप हमारी बात को समझिए, उप हट जाएगा, जो मूल शब्द बचेगा उसमें अस्य लग जाएगा, और उसके बाद समीपम। अब आप समझिए, उप हटेगा तो जो मूल शब्द बचेगा, तो मूल शब्द नगरम है कि नगर, तो नगर है, उसमें आप अस्य लगा दीजिए तो नगरस्य हो गया, और अंत में कर दीजिए समीपम, तब इसका आपका बन जाएगा नगर हो गया अस्य, नगरस्य हो गया समीपम, है ना। तो यहाँ हो जाएगा नगर के समीप, नगर के समीप। अब बाबू इसको भी आप उसी प्रकार से बना सकते हो, इसी ट्रिक पर, उप अस्य समीपम। तो उप हटेगा, उप क्या होगा, उप हटेगा, उप क्या होगा, उप हटेगा, और जो शब्द बचा तो वन बचा, वन, तो वन में अस्य लगा देंगे। वनम की वन, मूल शब्द कौन है, वनम की वन, तो वन है मूल शब्द, तो वन में अस्य लगा देंगे तो वनस्य हो जाएगा, वन में अस्य लगा देंगे तो वनस्य हो जाएगा। और समीपम, तो यहाँ पर आपका बन गया बाबू वनस्य समीपम। तो यहाँ पर आपका हो गया अर्थ में वन के समीप। इस प्रकार का समास होता है, एकदम तीन को याद करना है भैया, हाँ तीन को याद करना है, अधिहरि हरौ इति, अध्यात्म आत्मनि इति, उपगंगम गंगायाः समीपम्, उपगंगम गंगायाः समीपम्। लेकिन उपनगरम, उपवनम, ये सब ट्रिक पर बनेगा। ट्रिक क्या है, उप अस्य समीपम, ट्रिक क्या है, उप अस्य समीपम। होगा क्या बाबू, तो उप हटेगा, उप हटेगा, और जो मूल शब्द है उसमें अस्य लगेगा, और जो मूल शब्द है उसमें अस्य लगेगा, और समीपम लगा देंगे लास्ट में। तो उपनगरम, तो उप हट गया, मूल शब्द है नगर, उसमें अस्य लग गया तो बन गया नगरस्य समीपम। उपवनम, उप हटेगा तो मूल शब्द है वन, तो वनस्य, वनस्य समीपम। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, उपवनम कई बार एग्जाम में आया है, क्वेश्चन कैसे आया है वो सुनिए। क्वेश्चन अगर आंसर आपको पता है तो आप मन में सोच लीजिए, कमेंट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन, उपवनम किस समास का उदाहरण है,
बातें समझिए, समय पहले ही बोल चुका हूं, समय लगे लगने दीजिए, समास में समय लगे लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उपवनम किस समास का उदाहरण है? तो उप से शुरू होगा, उपसर्ग से शुरू होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा, तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उपवनम का समास विग्रह क्या होगा? उपवनम का समास विग्रह क्या होगा? त उप हटेगा, वन में अस लगेगा, त वनस्य हो गया, असमीपम वनस्य समीपम वनस्य समीपम, इस प्रकार से। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है, वनस्य समीपम का, वनस्य समीपम का समस्त पद क्या होगा? तो वनस्य समीपम का समस्त पद होगा उपवनम। क्या होगा? उपवनम, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से और भी हो सकता है, उपरामम, उपरामम रामस्य समीपम, उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, उपग्रामम ग्रामस्य समीपम, उपग्रामम ग्रामस्य समीपम, मतलब गांव के समीप, इस प्रकार से। बाबू अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इतना पढ़ाने के बाद आपको समझ में आया कि नहीं, अगर आया तो कमेंट में यस लिखो बउआ, अगर आया तो कमेंट में यस लिखिए, और थोड़ा लाइक कीजिए, लाइक करें में कमी मत कीजिए। समझ में आया तो कमेंट में यस लिखिए और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। कमेंट में यस लिखिए। ये रटने का चीज है, एक का सेकंड एग्जाम्पल क्या, हम तो पहले बोल चुके रटना है, रटना तो एक का सेकंड एग्जाम्पल क्या। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। समृद्धि के अर्थ में सु उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। और बाबू एक बात और, कभी बोले होंगे कि जितना एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको एग्जाम में 98% उससे आ जाना है, हमने 98 का बात बोला था, है ना, इसलिए एग्जाम्पल पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और आप एकदम बढ़िया से कॉपी में लिख करके, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, है ना, आप वैसे तो जितने बच्चे हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं सब पढ़ने ही वाला है, क्योंकि बहुत सारा बच्चा को पता भी है कि 3 बजे से क्लास चलता है ना, ग्रुप में ऐड भी है, 250 से ज़्यादा बच्चा को हम ऐड किए हुए हैं, जो भी बच्चा आईडी कार्ड का फोटो भेजा है, जिसका फी पेड है ना, उन सभी बच्चों को हमने ग्रुप में ऐड कर लिया है, तो 250 से ज़्यादा बच्चा ऐड है। और जब हम अभी देख रहे हैं तो 60 बच्चा 50 बच्चा ऐसा ही देखता है, तो उन सब बच्चों को पता होने के बाद भी नहीं देखता है। अब देखिए ये सोचेगा ना कि नहीं बाद में तो देख लेंगे, क्योंकि लिंक अगर हम भेज दिए तो आप कभी भी उसको देख सकते हैं, तो अगर आप सोचिएगा ना कि बाद में देख लेंगे, तो जितना बढ़िया से आप अभी देख लीजिएगा उतना अच्छा से बाद में आप नहीं देखिएगा। बाद में देखिएगा ना तो जानते क्या कीजिएगा, 5 मिनट देखिएगा फिर रुक जाइएगा,
फिर बाद में 5 मिनट देखिएगा, फिर रुक जाइएगा, उलबुला जाइएगा, नहीं देखिएगा। तो अभी आप लोग देखते हैं, ऑनलाइन क्लास देने का मेरा मेन मकसद भी तो यही है, कोई टेंशन आपको नहीं है बच्चा। चलिए, समृद्धि के अर्थ में नंबर 3, धीरे धीरे लाइन पर आप आ जाइएगा। समृद्धि के अर्थ में सु उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। ये समृद्धि हो गया और ये सु हो गया। समृद्धि समझते हैं ना, समृद्धि का मतलब होता है संपन्न, है ना। मोबाइल की आवश्यकता है ऑनलाइन क्लास के लिए, और मोबाइल आपके पास है तो मतलब संपन्न है, समृद्धि है, है ना। तो यहाँ पर हम कर देंगे बाबू, समस्त पद विग्रह अर्थ, समस्त पद विग्रह अर्थ, है ना। अब यहां देखिएगा, सुमधुरम सुभिक्षम, और ट्रिक है बउआ यहां पर, सु नाम समृद्धि, सो नाम समृद्धि। ये ट्रिक है, ध्यान से देखते रहिएगा, ये आपका ट्रिक है, सो नाम समृद्धि। अब देखिए, इसको बनाना है, विग्रह करना है, तो सु हटेगा, नाम समृद्धि जुड़ेगा, सु हटेगा, जो बचा उसमें नाम समृद्धि जोड़ दीजिए, नाम समृद्धि। तो सु हट गया, तो मद्रम की मद्र, मद्रम नहीं मद्र, तो उसमें नाम जोड़ेंगे तो हो जाएगा मद्रा नाम, मद्र नाम नहीं मद्रा नाम। देखिए कैसा बनेगा, मद्रा नाम, नाम हो गया समृद्धि, मद्रा नाम समृद्धि। अब यहां समझिएगा, अरे धीरे धीरे होगा जी, अब पहली बार पढ़िए, बहुत बहुत सभी बच्चा ऐसा होगा, एक आध क्वेश्चन होगा जो जीवन में मतलब एक बार पढ़ चुका होगा ये समास। बहुत सारा बच्चा ऐसा है जो पहली बार पढ़ रहा है, तो पहली बार में तो परेशानी होबे न करेगा। सुभिक्षम, तो सु हटेगा, सु हटेगा, नाम समृद्धि, तो यहाँ पर हो गया भिक्षा नाम, भिक्षा नाम समृद्धि, भिक्षा नाम समृद्धि, है ना। तो ये इसका अर्थ हो गया आपका, मद्र देशवासियों की समृद्धि, मद्र देशवासियों की समृद्धि, और भिक्षा नाम समृद्धि, भिक्षाटन की समृद्धि। अब याद हमको ये वाला करना है, सुमधुरम सुभिक्षम, सुमधुरम सुभिक्षम। ट्रिक क्या है, सुनाम समृद्धि।
ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपका दिमाग लोड ले सकता है एक दिन में। सुनाम समृद्धि, तो सु हटेगा तो मद्रम होगा कि मद्रा नाम, तो हो गया मद्रा नाम समृद्धि। सुभिक्षम, तो सु हटेगा तो भिक्षम होगा कि भिक्षा नाम, तो भिक्षा नाम हो गया समृद्धि। यही है बउआ, अब बोलिए समझ में आया ना। मद्र होगा कि मद्रा नाम, मद्रा नाम समृद्धि जुड़ गया। भिक्षा होगा कि भिक्षा नाम, तो भिक्षा नाम। अब दो चार बार पढ़िएगा तो समझ में आपको आ भी जाएगा। तो बाबू आप कमेंट कीजिए कि समझ में आपको आया। बउआ आप कमेंट करो बाबू कि समझ में आपको आया है ना, कमेंट करो बाबू। हाँ आपको याद रखना है ना, हम क्लास में पढ़ाते थे मतलब ऑफलाइन में, तो बच्चा एकदम ध्यान देकर के पढ़ता भी था, उसको याद भी हो जाता था। मेरे सामने रहता था बैठा हुआ, हम देखते थे, हम याद करवा देते थे जबरदस्ती है। तो देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा, अधिहरी हरौ इति याद है, अध्यात्म आत्मनि इति, उपगंगम गंगायाः समीपम, उपनगरम नगरस्य समीपम, उपवनम वनस्य समीपम, उपरामम रामस्य समीपम, उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम, उपग्रामम ग्रामस्य समीपम। ये हो गया ना बाबू। और ये समृद्धि के अर्थ में सु उपसर्ग से बनने वाला शब्द अव्ययी भाव समास होता है, याद हो जाएगा जी, बिना ट्रिक के तो याद हो जाएगा। सुमदरम मद्रानाम समृद्धि, सुमदरम मद्रानाम समृद्धि, सुभिक्षम भिक्षानाम समृद्धि, सुभिक्षम भिक्षानाम समृद्धि, सुमदरम मद्रानाम समृद्धि, सुभिक्षम भिक्षानाम समृद्धि। याद हो जाएगा, पढ़ने के लिए आएगा, पढ़िएगा याद हो जाएगा, मजा आएगा है ना। तो कमेंट में बच्चा सब यस लिखवे किया है। हाँ कमेंट में बाबू सभी ने यस लिखा, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर चार, ये समृद्धि है, ये दुर्गति है, दुर्गति ये लास्ट है ना। इतना एकदम कंप्लीट आप कर लीजिएगा ना, एकदम घर में बैठकर नंबर चार तक लिखने में लगेगा 15 मिनट 20 मिनट, और एक बार खाली पढ़िएगा तो लगेगा 10 मिनट। आधा घंटा में आज की पढ़ाई क्लियर हो जाएगा, आधा घंटा में आज की पढ़ाई क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास आधा घंटा भी समय नहीं है तो आप इमेजिन कीजिए आप कितना बदनसीब हो, इमेजिन कीजिए आप कितना बदनसीब हो, खुद के काम के लिए भी आधा घंटा समय आपके पास नहीं है, है ना। दुर्गति के अर्थ में दुर उपसर्ग से बनने वाला शब्द, वही होगा, लैंग्वेज तो हम एक ही तरह का लिख रहे हैं, अव्ययी भाव समास होता है। और अब हमको लगता है ना कि ये लाइन अब हम उड़ा दें, समस्त पद विग्रह अर्थ, अब तो अपने समझ जाएगा कि समस्त पद हुआ, ये विग्रह हुआ, ये अर्थ हुआ, एक लाइन अब हम समाप्त कर रहे हैं, अब अपने समझिएगा भाई है ना, ध्यान दीजिएगा। दुर्यवनम, जैसे में दुर्यवनम दुर्भिक्षम दुर्यवनम
दुर्भिक्षम अट्रिक है, दूर नाम, या ये वाला भी नाम हो सकता है, यहां पर हो जाएगा व्यर्धि। दूर नाम व्यर्धि, रुकिएगा लास्ट है, आप टेंशन लेना आपको नहीं है, लास्ट है ये। अब है सुनाम समृद्धि, यहां पर देखिए ट्रिक, सुनाम समृद्धि दूर नाम व्यर्धि, यहां देखिए दूर नाम व्यर्धि है ना। तो ये जो आपका यवन है ना, यवन, इसमें ये वाला नाम लगेगा, अभिक्षम में ये वाला नाम, भिक्षम से यहां पर देख लीजिए नाम किसमें क्या लगेगा, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, यहां पर देख लीजिए दूर यवनम है तो यवनम में ये वाला नाम लगेगा, दूर भिक्षम में ये वाला नाम लगेगा, आप उतना फालतू दिमाग मत लगाइए नहीं तो उलबुला आ जाइएगा फिर, है ना। तो दूर हटेगा, तो जब दूर हटेगा देखिए क्या लिखा ले, दूर यवनम, दूर यवनम तो दूर हटेगा, तो दूर हटेगा तो बचेगा यवनम, तो यवनम कि यवना नाम, चलो बोलो यवनम कि यवना नाम, तो यवना नाम व्यर्धि। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं यवना नाम व्यर्धि, और दुर्भिक्षम तो दूर हटेगा तो भिक्षम होगा कि भिक्षा नाम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बाबू भिक्षा नाम व्यर्धि, और लास्ट में आप विसर्ग दीजिएगा है ना, भिक्षा नाम व्यर्धि। अर्थ यवनों की दुर्गति, दुर्गति ना अर्थ है, यहाँ देखिए यहाँ भिक्षा का न मिलना, न मिलना हो गया क्लियर। अब आप जरा समझिएगा इधर ट्रिक है, सुनाम समृद्धि ट्रिक है, दुर्नाम व्यर्धि, एकदम नो टेंशन, सुनाम समृद्धि दुर्नाम व्यर्धि है ना। तो देखिए सुमधुरम मधुरानाम समृद्धि, अर्थ से मतलब नहीं है, सुभिक्षम भिक्षानाम समृद्धि, सुनाम समृद्धि दुर्नाम व्यर्धि, दुर्नाम व्यर्धि दुर्यवनम यवनानाम व्यर्धि, दुर्भिक्षम भिक्षानाम व्यर्धि है ना। तो आज का पढ़ाई क्लियर हुआ, चार तक बताए, बाकी आगे हो जाएगा। अब इतना हम लोग ना फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, ये अधिहरि हम समस्त पद बोलूँगा, आप विग्रह पर आ जाना, अगर आपको याद है तो बोल देना या मन में सोच लेना, या जहाँ पर आप हैं वहीं पर बोलिएगा, अधिहरि हरौ इति, अगला बउआ अध्यात्म आत्मनि इति, क्लियर हो गया। उपगंगम गंगायाः समीपम, उपनगरम नगरस्य समीपम, उपवनम वनस्य समीपम, उपग्रामम ग्रामस्य समीपम, ऐसा हो गया। उसके बाद था सुनाम समृद्धि, सुमद्रम मद्रानाम समृद्धि, सुभिक्षम भिक्षानाम समृद्धि, फिर ट्रिक था दुर्नाम व्यर्धि, दुर्यवनम यवनानाम व्यर्धि, दुर्यवनम यवनानाम व्यर्धि, दुर्भिक्षम भिक्षानाम व्यर्धि। उम्मीद करें ना आपको समझ में आया, ये याद भी करने का चीज़ है, जितना बढ़िया से आप इसको याद कर सकते हैं। तो बाकी विशेष होगा बाबू कल, कमेंट में कीजिए अगर समझ में आया तो यस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी विशेष होगा कल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट कीजिए यस,
और हम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ कि आप सभी बच्चे इसको आराम से कॉपी में लिख करके और याद कीजिएगा, पढ़िएगा इसको बढ़िया से, है ना। और अब होगा क्लास मंडे को 3 बजे से, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। देखो इधर।